दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों सुपरस्टार विशाल की अपकमिंग मूवी चक्रा, जिसका ट्रेलर कुछ दिन पहले ही आउट हो चुका है और ये मूवी याद दिलाती है उनका पिछली ब्लॉकबस्टर मूवी रिटर्न्स ऑफ अभिमन्यु की। और आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि क्यों ये मूवी होने वाला है अब तक के सबसे खतरनाक साइबर क्राइम मूवी, मूवी की कहानी कैसी होगी, कौन कौन से बड़े बड़े कलाकार विशाल के साथ नजर आने वाला है, हीरोइन कौन होगा, विलेन का किरदार कौन निभाने वाला है, हिंदी में आएगा या नहीं और कब तक हमें इस मूवी को देखने को मिलने वाला है अपने नजदीक के सिनेमाघरों में, इन सारे फैक्ट्स पर बात करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आखिर तक जरूर देख लेना और वीडियो को देखने के बाद आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आप और कौन कौन से साउथ मूवीज के इंतजार कर रहे हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए ला सके उन सारे फिल्मों का अपडेट्स। दोस्तों एक्शन जैसी धमाकेदार मूवी लाने के बाद सुपरस्टार विशाल लेकर आ रहे हैं और एक एक्शन से भरी हुई धमाकेदार मूवी जिसका नाम है दोस्तों चक्रा। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ चक्रा मूवी से जुड़ी हर एक अपडेट्स। तो अगर आप भी सुपरस्टार विशाल की फैन हैं और उनका मूवीज देखना पसंद करते हैं और चक्रा मूवी को हिंदी में देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आखिर तक जरूर देख लेना और वीडियो को देखने के बाद आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप और कौन कौन से साउथ मूवीज की इंतजार कर रहे हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए ला सके उन सारे फिल्मों का अपडेट्स। दोस्तों अगर बात करें चक्रा मूवी की स्टारकास्ट को लेकर, तो दोस्तों चक्रा मूवी की स्टारकास्ट में हम सब विशाल को लीड रोल करते हुए देख पाएंगे और उनका ऑपोजिट हम सब शारदा श्रीनाथ को देख पाएंगे, जो कि एक कॉप का किरदार निभाने वाला है। और साथ ही साथ श्रुति दांगे और रगीना दोस्तों इस मूवी का कहानी और डायरेक्शन दोनों करने जा रहे हैं एमएस आनंदन ने, जो कि इससे पहले भी बहुत सारे हिट मूवीज हमें दे चुके हैं। दोस्तों विशाल सर की एक्शन से भरी हुई धमाकेदार मूवी चक्रा, जिसके शुरुआत में ही हमें पता चल जाता है विशाल एक कॉप का किरदार निभाने वाला है, जिसे पता चलता है कि 15 अगस्त को बहुत ही बड़ा साइबर अटैक होने वाला है या फिर बहुत बड़ा रॉबरी होने वाला है। दोस्तों पूरे इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश किया है साइबर अटैकर्स ने, लेकिन दूसरी तरफ विशाल पूरे कमांड को संभालते हैं। दोस्तों मूवी का पूरा कहानी रिटर्न्स ऑफ अभिमन्यु की तरह है और साथ ही साथ इस मूवी पर बहुत ही आसान तरीके से दिखाया गया है डिजिटल इंडिया का फायदा। तो दोस्तों डिजिटल इंडिया का फायदा तो आप सभी को पता है, लेकिन इसके होने वाले नुकसान की कितने हद हमें मुसीबत में डाल सकते हैं और इंटरनेट से जुड़ने के बाद हमारे प्राइवेसी और हमारे डेटा हमारे की इस्तेमाल हो सकता है इंटरनेट की नाकामियों को इस मूवी पर बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। दोस्तों सबसे बड़ा सस्पेंस इस मूवी का विलेन, जो के साइबर अटैक करवाते हैं, वो इंडिया से है या फिर बाहर से, इन सारे बातों का खुलासा होगा जब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा हमारे नजदीकी सिनेमाघरों में। मूवी पूरा इंटरटेनमेंट से भरे होने वाला है। इस मूवी पर हमें बहुत ही अच्छे अच्छे एक्शन सीन्स देखने को मिलने वाला है और दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि ये मूवी अगली ब्लॉकबस्टर रहेगी। और जहां तक बात है दोस्तों हिंदी में आने की, तो दोस्तों फिलहाल इस मूवी का हिंदी डबिंग सोल्ड आउट नहीं हुए हैं, लेकिन आप रहिए बेफिकर, विशाल की एक्शन मूवी बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है हिंदी में सोनी मैक्स पर। लेकिन अगर आप सब मूवी को जल्द से जल्द डाउनलोड करके देखना चाहते हैं, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो करें, वहां हम जल्द से जल्द आप सबके लिए इसका डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर देने वाला हूं। तो दोस्तों किसी भी नई और पुराने हॉलीवुड बॉलीवुड और साउथ मूवीज को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो करें, वहां हम नए मूवीज के लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी पसंद आए होंगे। तो दोस्तों आप लोग अगर बंगाली समझते हो तो हमारे बंगाली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए बंगाली रोस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी एक दूसरी बड़ी अपडेट्स में, तब तक के लिए आप रखिए अपने और अपने परिवारों का ख्याल। तो चलता हूँ दोस्तों आज के लिए अलविदा।